हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। जी हाँ, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पितृपक्ष जो है इस साल 10 सितंबर से शुरू हो चुका है और यह 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कहा गया है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो धरती पे आते हैं और वो किसी भी रूप में आते हैं। और कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पितर सूर्य रश्मियों पर सवार होकर धरती पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और शुक्ल प्रतिपदा को वापस अपने पितृलोक लौट जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देते हैं। तो जी हाँ, पितृपक्ष चल रहे हैं और ये मान्यता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज किसी भी रूप में आते हैं और जो उनके परिवार वाले जो उनके लिए तड़पट श्राद्ध ये सारी चीज़ें करता है उसको देख के वो प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद और देकर चले जाते हैं। और पितृपक्ष में कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी होती हैं कि वही चीज़ें हमको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम आपको उस बारे में बताते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो श्राद्ध क्रम के अनुष्ठान में परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, विशेष रूप से परिवार का सबसे बड़ा बेटा शामिल होता है। जी हाँ, जब श्राद्ध कर्म होते हैं तो उसमें परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो घर का बड़ा बेटा होता है वह उसमें शामिल होता है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जब पितरों का श्राद्ध करना होता है तो हमको उसके पूर्व स्नान करना होता है और अच्छे साफ सुथरे से कपड़े पहनने होते हैं। कुश घास से बनी अंगूठी पहने। कुश घास दया का प्रतीक है और इसका उपयोग पूर्वजों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोलकार पिंड को भेंट करें। भगवान विष्णु को दुर्वा घास के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन को कौवे को अर्पित करें क्योंकि इसे यम का दूत माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करें और गंगा अवतराम, नचिकेता, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण की कथाओं का पाठ करें। पितृपक्ष मंत्र का जाप करें। ये सारी चीजें जो है हमको पितृपक्ष में करना चाहिए। और ये सब करने के बाद ब्राह्मणों को जो है वो वस्त्र दें और उनको अच्छा भोजन करावे। इसमें ये बाध्यता नहीं है कि हमको यही चीज़ करनी है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार से आप उनको कर सकते हैं कि ब्राह्मणों को श्राद्ध के बाद भोजन कराइए और उनको वस्त्र और दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या हमें नहीं करना चाहिए। अभी तक मैंने आपको बताया कि करना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। श्राद्ध क्रम के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध क्रम कांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट या शराब का सेवन ना करें। इस तरह से बुरे व्यवहार में लिप्त ना हों। यह श्राद्ध क्रम करने के फलदायक परिणाम को बाधित करता है। यदि संभव हो तो सभी 16 दिन के लिए घर में चप्पल ना पहने। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं, इसीलिए इस पखवाड़े में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और आदर सत्कार चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाना मना है, जैसे चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग ना करें। इसके बजाय अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबे या पीतल के बर्तन का उपयोग करें।
यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो यह विशेष फल देता है। कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं, वे अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना ना भूलें। पिंडदान करते वक्त तुलसी जरूर रखें। श्राद्ध क्रम शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों और ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी आपको लगता है कि ये ज्ञान वाली चीज़ें हैं या इससे आपने जो कुछ भी सीखा है, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं कि और ये चीज़ अगर मैं कुछ बता रही हूँ और अच्छी है, किसी को ज्ञान मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो और मिलती हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।